नमस्कार साथियों, देखिए आज की अपडेट न्यूज। लाइब्रेरियन भर्ती 2018 की न्यूज़ है ये। लाइब्रेरियन भर्ती 2018 की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट ने लाइब्रेरियन भर्ती 2018 में ग्रेड थर्ड के 700 पदों पर होने वाली नियुक्ति पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश पूरनमल यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया कि भर्ती का पेपर लीक हो गया था और इन्हें कई अनियमितता भी सामने आई थी। वहीं मामले की जांच SOG कर रही है। SOG की जांच प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर नियुक्तियां दे रही है। ऐसा होने पर मामले की जांच कार्रवाई भी प्रभावित होगी। जवाब में सरकार ने कहा कि केवल अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जाँच ही कर रहे हैं और नियुक्तियाँ नहीं दी गई है, जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि वे लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के पद पर नियुक्तियां नहीं दें। राज्य सरकार ने 21 मई 2018 को लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के 700 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा प्रक्रिया शुरू की थी। तो दोस्तों, ये थी पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती के बारे में अपडेट न्यूज। हाईकोर्ट ने इस पर पूर्णतः रोक लगा दी है। धन्यवाद दोस्तों।